अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भोले बाबा जैसा पति पाने का सपना लिए बिंदिया लखनऊ तो आई। बिंदिया का नाम था, अपने सपनों के सहन लखनऊ को। पर आते ही साथ अपने मामा मामी से बिछड़ गई। अपनी माँ के प्रतीक जिस घड़े को बिंदिया माई कहती थी वो भी लगभग खो ही गया था उससे। अगर ऐन वक्त पर आकर एसीपी अभय भारद्वाज उसकी रक्षा ना करते। अभय जहाँ बिंदिया को वापस गोंडा भेजना चाह रहा था, वहीं बिंदिया को अभय के साथ शंकर पार्वती जैसी जोड़ी कहलाने का आशीर्वाद मिल गया। अब आगे सदा सुखी रहो, खुश रहो। तो हमेशा ही खुश रहेंगे पंडित जी, हम नखलो जो आ गए। ये हमको यहाँ से भेजना चाहते हैं। फालतू के सपने देखना बंद करो, नहीं हो रही तुम्हारी शादी लखनऊ में। कहाँ वापस जाओ और वहीं किसी से शादी कर लो, समझी? यहाँ से चली जाओ। बोला था साथ लेकर आना, लायका है नहीं। जो लड़की वाले आ रहे हैं उससे मिलने के लिए, उससे कहा तुम लोगों को मिलवाएंगे। अरे बाबा भी चुप, चुबले चुप। तुम ससुरा अपना टोला बनाओ, जुबान का कसरत मत करो। इतना सा काम बोले थे कि अभय पर नजर रखो, पल पल की रिपोर्ट दो ना। तुम लोगों को तो पता ही नहीं कि अभय कहाँ है। वो हमें अभय सर ने बोला था जाने के लिए। उन्होंने कहा और तुम मान ली? हाँ, वो हमारे सीनियर हैं, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो बहुत तोड़ेंगे हमें। तो हम क्या छोड़ेंगे? अगर अभय सर तुम्हारे सीनियर है ना, तो हम तुम्हारे सुपर सीनियर हैं। और बेटा ये सबक ना जीवन भर याद रखना। स्कूल में संटी खाए थे ना, टीचर इसीलिए मारती थी कि सबक हमेशा याद रहे। अभी तो सिर्फ उंगली तोड़े हैं, अगली बार हमारी बात काटी ना तो उंगली काट के फेंक देंगे। अब यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अब भाई को ढूंढो। नखलो में ही तो सब कुछ रखा है भोले बाबा, हमारी माई भी आखिरी सांस यहीं ली गई। सोचे थे नखलो में जाएंगे तो उसे बन के रहेंगे, माई का भी यही सपना था। पर हम ऐसे कैसे चले जाएं? ना जी ना, हम तो अपनी माई का सपना पूरा। माई तो दरोगा बाबू की गाड़ी में रह गई। प्रणाम सेठ। खुश रहिए, बैठो। कैसे हैं सेठ जी? हमें क्या होना है, तुम बताओ। हम तो गंगा जी तर गए सेठ जी। आपने इस गरीब परिवार पर इतनी कृपा की, इस लायक समझा, उसके लिए धन्यवाद। वो महादेव जी के मंदिर में चढ़ावे के लिए जा रहे हैं, आज सोमवार है ना। से घर की परिक्रमा करवाओ और मंदिर में रखवा। जी, ये लड़की की मामी है। बैठिए। बैठिए। वो अभय आता ही होगा।
बताए थे ना आना है। काम था मुझे। बताइए कहाँ है लड़की? अब है? आए हो, थोड़ा बैठो। ये मामा जी है, ये मामी जी है, नमस्ते करो। नमस्ते। कहाँ है आपकी भांजी? मुझे ड्यूटी पर भी वापस जाना है। वो रास्ते में हमसे गुम हो गई। कोई भला मानुस मिल गया, उसने उनकी बात कराई है हमसे, बस आती होगी। वो नहीं आने वाली। लखनऊ बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे खोके मिल जाना इतना आसान नहीं है। ऐसा मत बोलिए, तनिक देर में आ जाएगी। मेरे पास टाइम नहीं है। 5 मिनट रुक जाओगे तो कोई आफत नहीं आएगी। 5 मिनट? ठीक है, मैं पूरे 5 मिनट वेट करूंगा। पर अगर वो 5 मिनट में नहीं आई तो बात खत्म, और फिर उसके बाद कोई भी मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं करेगा। बहुत अच्छी चीजा लेकर कर रहे हो दूसरों के साथ में। मैं तो बस अपनी बात कह रहा हूं पापा। अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो सगई बात गड़बड़ा जाएगी। राम भली करे, ये बिंदिया कहां मर गई। लल्ला, क्या बच बना है? टाइमर लगा रखा है, जबरदस्ती है का? आप पे ही गया हूँ मम्मी। अब आप जबरदस्ती कर रही है मेरे साथ तो मैं भी करूंगा। देखते हैं ना किसकी जिद पूरी होती है। ओ दरोगा बाबू, हमारी माई को अपने साथ ले गए, उनके बिना हम कैसे वापस जा सके? ठीक है ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं दरोगा बाबू के पास ले चल रही हूँ। एकदम सही है। हाँ हाँ, इसका मतलब रिश्ता पक्का। आप बोलो, हमें रिश्ता मंजूर है? अरे सरकार, आप सोच रहे होंगे ना हम यहाँ कैसे। तुम जानते हो इस मामला क्या है? हमने बूझ लिया। वैसे तो ये बहुत बड़े हीनो है, हमको बचाया, हमारी माई को बचाया, पर थोड़ा सा ना कंफ्यूज आ जाते, जाने इनको मामा ने कहा बोला कहा समझे। वैसे ये है हमने मामा, आप समझे कि जाना चाहते थे, पर ये जाना नहीं, हमको दिया लाना चाहते थे। वैसे एक बात बताए, हमारे गोंदा में ना टाक बाबू का लड़का है, वो भी ऐसा ही करता है ना मामा। हमने उसको बोला 13 मटका चाहिए, 13 मतलब तुमरा, 11, 12, 13, 13 वाला मटका जुगाड़ने लग गया। सच्ची बताए हम तो रोज कहते हैं, रोज सुबह रात की भिजाई मूंगफली। चुप हो ही जाते हैं। Thank you.
मालकिन, कैसे जान बचाई हमारी बिंदिया ने बेटा जी की। अब तो मुझे भी यकीन हो गया कि ये अभय के लिए बिल्कुल सही है। अभय की जान बचाने के लिए इसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। देखा जी आपने, पक्का पत्नी धर्म निभाया है इसे। राम भली करे, जीवन भर ऐसे ही पत्नी धर्म निभाएगी, भले ही खुद की जान चली जाए। तो हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है, 2 दिन बाद शादी हो जाएगी। 2 दिन में इतनी जल्दी? खानदानी कंगन ले आई। जी अभी लाए। बहू अब तक चाय लेकर नहीं आई मेहमानों के लिए, शादी होने के बाद लेकर आऊंगी। जाओ जी अभी लाए। आई बैठते हैं, चाय पीते हैं। आई राम भली करे, जब देखो तब पटार 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 पटार, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती थी का? वो तो भला हुआ मालिक का जो कि रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता? पर दूल्हा कौन है? राम भली करे, अरे दिमाग में भूसा भरा है का? अरे वही तो हैं जिनको उतनी देर हीरो जी बोल रही थी, अरे वही तो हैं दूल्हा जी। नहीं दूल्हा है? बोले बाबा जी का निकल। हाँ, सुन ले। पर मामी एक बात ना ही बुझी का? अगर ये हमरे दूल्हा है तो हमको सीधा घर का ही नहीं लाए, इनको हम शादी ना ही करनी है का? राम भले करे, है बड़ा करमचंद बनने चली हो, चुप चाप यहीं खड़ी रहो। पर इन्होंने हमरे साथ ऐसा क्यों किया? सर्वगुण संपन्न लड़की ढूंढकर लाए हैं तुम्हारे लिए। मेरे लिए या आपके लिए या पापा की जिद के लिए कि इस घर की बहू पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए? मुझे शादी नहीं करनी माँ, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। आप जाके कह दीजिए जिसे भी कहना है आपको। हाय रे दिया, घर है कि कोनो महल? मैं समझ आया, बाबू खाए इतना भैराए हुए हैं घर में घूम के तो किसी का माथा चक्कर गिननी खा जाए। हाँ पर वो गए कहाँ? अरे आप काहे बौखलाए दिख रही? कहा हुआ ना कि हम कप कप लेकर जा रहे थे और चाय हमसे सोफा पर गिर गई। अब हम कब से कोशिश किए जा रहे हैं कि दाग निकल जाए पर निकल ही नहीं रहा है, हमारा तो रोना रोना ही छूट रहा है। अरे रोहे काहे, दाग है कौन अंगद का पैर नहीं, जे पड़ गया सो पड़ गया। कुछ सोचते हैं सोचन खातिर का शराब पियोगी? अरे नहीं जीजी, इस शराब पीने से चरित्र पे दाग जरूर लागे पर इससे कपड़े का दाग झट छूट जाइए। हाँ कैसे प्रभु? तो अरे का गजब नुस्खा निकाला तुमने, बहुत ही बढ़िया, दाग तो गायब ही हो गया। बिंदिया के घरेलू नुस्खे तो पूरे गोंदा में मशहूर है। हाँ बात करने के चक्कर में तो हम तो भूल ही गए, हमें अबे बाबू से बात करनी थी, कहाँ मिलेंगे वो? माँ मुझे शादी नहीं करनी माँ, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। आप जाके कह दीजिए जिसे भी कहना है आपको। त्योहारों की जय हो। अरे क्यों ना करनी है शादी,
सर्वगुण संपन्न लड़की ढूंढ कर लाए हैं तुम्हारे लिए। अरे एकदम सही है तुम्हारे लिए। हाँ मेरे लिए या आपके लिए या पापा की जिद के लिए कि इस घर की बहू पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए ताकि कोई भी उनके आगे आवाज नहीं उठा सके। अरे कुछ भी मत बोले जाओ। क्यों ना बोलूं माँ। अंजू भाभी 10वीं फेल, शीला चाची 8वीं पास, और ये जो नई ढूंढ के लाए ना आप, ये 5वीं तक भी पढ़ी है कि नहीं पता नहीं मुझे। मुझे एक पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर का सिक्योरिटी हेड हूँ। तो क्या चीफ मिनिस्टर होनी चाहिए तेरी पत्नी? अरे तो इसे बना दे चीफ मिनिस्टर। कैसी बात कर रही हो माँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक ऐसी पत्नी हो जो पति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। वरना ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो ये सोचती हैं कि शादी हो गई बस हो गया अपना सपना पूरा और बाकी की लाइफ किचन में क्यों ना गुजरे। मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी ही नहीं है माँ। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी बेटा, वो भी हमारी पसंद की लड़की से। पापा वो मैं सुन लिए तुमरा आधुनिक नारी पर 100 शब्दों का निबंध। ये जो तुम बकलोली मचा रहे हो ना, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेघा है। देखो बर्फी का लल्ला, एक बात कान खोल के सुन लो, उसी औरत से शादी करनी चाहिए जो कद में तुमसे 4 इंच कम, उम्र में 4 बरस कम, पढ़ाई लिखाई में 4 जमात कम। और तुमरी वो मेगा उम्र में बड़ी है तुमसे और पढ़ाई लिखाई में यूनिवर्सिटी वाली। हमरी एक बात को गांठ बांध लो कि मेगा जैसी लड़की हमरे घर की बहू नहीं बनेगी और बिंदिया जैसी लड़की मेरी बीवी नहीं बन सकती। था ना कि इसे हमारी बात माननी पड़ेगी, और तुम ये अच्छी तरह से जानती हो हमारी बात को नकारने वाले के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। पापा हमेशा घर से निकालने की धमकी देते हैं ना मां, तो ठीक है छोड़ देते हैं ये घर, आप चलिए मेरे साथ माँ। वैसे भी आपको इस घर में पापा की नफरत के अलावा मिला ही क्या है। तेरे साथ तो मैं जाने नहीं वाली और तेरे बिना मैं इस घर में जी नहीं सकती। डोली में बैठकर आई थी, अब अर्थी में ही जाऊंगी। माँ छोड़ दे। माँ आप क्या? माँ छोड़ दे। माँ माँ क्या कर रही? छोड़ दे। माँ छोड़ दे मुझे। माँ छोड़ दे। माँ बचपन से आपकी ऐसी हरकतों ने मेरे हाथ पांग के रखे हैं। आपको पता है माँ अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो लल्ला हाँ कहते ना। लल्ला हाँ कहते ना। और भूल जाऊं उसे जिसे मैं प्यार करता हूं। इससे पहले भी आपने झूठी बीमारी का नाटक करके मुझे मेघा से दूर करने की कोशिश की थी माँ। इतना गलत किया मैंने उसके साथ, जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं उसे अकेला छोड़ के आ गया, अकेले परेशानी उठाई उसने। लेकिन अब मुझे अपनी गलती को सुधारना है। गांव वापस जाओ और वहीं किसी से शादी कर लो, समझी? जी तो अफसोस कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ बुरा किया, हम बिना ही बात जाने कहां-कहां सोच बैठे।
अरे रुको रुको रुको, एक सेकेंड, एक रुक जाओ। सही हुआ हमरे साथ, यही होना चाहिए था। भोले बाबा ने दे दी सजा, सही किया उन्होंने। तुम्हारा रेडियो चुप नहीं होता क्या एक मिनट के लिए? शांत हो जाओ। राम भली करे, अरे ये क्या कर लिया? अगर चेहरा मोरा बिगड़ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे अभी आप शांत हो जाइए प्लीज। एक मिनट रुको, एक मिनट। लल्ला अभी तो हाँ बोलते हैं, फोन करके नहीं चल सकती थी का? देख करके चला करो। ए, देखो सब गंदा खा लिया, चलो चल करके साफ कराना पड़ेगा, चलो। अरे ध्यान का है तुम्हारा? शादी होने वाली है, मेहमानों का घर है, पर एक काम ढंग से नहीं होता है तुमसे। माजी का? माजी माजी देवर जी का डिब्बा रह गया, शायद भूल गए। हाँ वो जल्दी में था इसलिए चला गया। अरे आओ चलो, तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ। जीजी वो ना, हम आज देवर जी की मनपसंद की मिठाई रखे थे डिब्बे में, पर उस आज जल्दी में थे ना तो डिब्बा लेना भूल गए। पसंद की मिठाई? हाँ वो कहा है ना कि चाहे उनका जैसा भी मूड हो पर ये मिठाई देख लेते हैं ना तो उनका चेहरा खिल जाता है। अचार का डब्बा कहाँ है? हमरे होने वाले पति को अगर ये पसंद है हम खुद लेकर जाएंगे। समधन जी, कहा सुनो, हमको समधन जी से बात करेगा। अरे समधन जी मत बोलो अभी से, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राम भली करे, राज रानी बनने जा रही है तुम्हारी भांजी, इससे ज्यादा होगा ठीक होगा? और कौन सा तारे में हीरे जड़ने जा रहा हुआ है? परी ने इतनी जल्दी कहा है ब्याह का, ये सब ठीक लग रहा है तुमको? राम भली करे, ज्यादा सोच के ना मगज ना खर्चो। समधन जी भी कौन दिशा में चली गई, राम भली करे घर है कि भूल भुलैया, अब हमको उनको ढूंढना पड़ेगा, हम कहाँ जाएं? अब हम ही बात करते हैं। अब बात करने के लिए क्या बचा है बर्फी? देखिए जी, लल्ला इतनी आसानी से नहीं मानेगा, आप भी एक बार सोच लीजिए। वैसे भी अभी की कुंडली में उसकी पहली बीवी की मौत ही लिखी है, तो 4 दिन के लिए ही सही, करने दीजिए ना उसे उसके। पहली हुआ आखरी, अब भाई की पत्नी वही बनेगी जो हमरी मर्जी की हो, हमरी पसंद की हो। और मेघा इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। अगर अभी की कुंडली में उसकी पहली पत्नी का मरना लिखा है तो मरे बिंदिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम? बिना कमीज के देखिए ना, एकदम से पार्वती जैसी जोड़ी लग रही है तुम्हें। बिंदिया तेरे से कुछ बात कहे का है, जरूरी है। लल्ला बिना कमीज के देखिए ना, एकदम से पार्वती जैसी जोड़ी लग रही है तुम्हें। बिंदिया तेरे से कुछ बात कहे का है, जरूरी है।